नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मांगे उन्होंने भाजपा के सामने रखी हैं, उन्हें भाजपा के लिए मानना शायद नामुमकिन लग रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर मंत्री पद छोड़ योगी सरकार से बाहर हुए ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कई शर्तें हैं। बीजेपी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार ओम प्रकाश राजभर ने कई शर्तें रखी हैं, जिन्हें गठबंधन से पहले पूरे करने का ठोस आश्वासन बीजेपी से चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा तमाम मुद्दों पर बनाया गया है। ऐसे में मोर्चा ने तय किया है कि जो भी पार्टी मुद्दों पर समझौता करेगी उसके साथ जाएंगे। 27 अक्टूबर को मऊ में होने वाली रैली में ऐलान किया जाएगा कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के बाद अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेताओं के बैठक होगी, जिसमें भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी अगर हमारे मुद्दों को मानती है तो हम साथ जाने के लिए तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन से पहले बीजेपी से मांग रखी है कि देश में पिछड़ों की जातिगत जनगणना, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू की जाए, यूपी में घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाए और एक समान अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाए। इसके साथ ही राजभर ने पुलिस कर्मचारियों के बॉर्डर सीमा समाप्त होने के बाद अपने जिले में तैनाती की छूट देने की मांग की है। इसके साथ ही पुलिस ड्यूटी की 8 घंटे की सीमा निर्धारित करने की भी मांग की है। राजभर ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, होमगार्ड, पीआरडी और चौकीदार दोनों को पुलिस के समान सुविधाएं मिले। आपके लिए यह भी जानना जरूरी होगा कि ओम प्रकाश राजभर ने मई 2019 में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित कई छोटी पार्टियों के साथ मिलकर जनाधिकार संकल्प मोर्चा का गठन रखा था, लेकिन ओवैसी के चलते कोई भी बड़ी पार्टी राजभर के भागीदारी मोर्चा में शामिल होने को तैयार नहीं है। सूबे के सियासी माहौल में वो बाखूबी जानते हैं कि इस भागीदारी मोर्चा के दम पर सीटें जीतना कितना मुश्किल है। राजभर के गठबंधन में शामिल दलों का कोई खास जनाधार नहीं है। ऐसे में ओम प्रकाश के सामने पिछले चुनावी नतीजों को दोहराने की भी बड़ी चुनौती है। शायद इसीलिए ओम प्रकाश राजभर यूपी में सपा से लेकर बीजेपी तक गठबंधन करने तक का ऑफर दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से लखनऊ में मुलाकात की थी, जिसे उन्होंने निजी मुलाकात बताया था। आने वाले समय में राजभर भाजपा के साथ चुनाव लड़ने के संकेत तो दिए हैं, लेकिन जो मांगे उन्होंने भाजपा के सामने रखी हैं, उन्हें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाजपा और ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक संगम मुश्किल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।